हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ स्पीडो। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक ऐसी फिल्मों के बारे में बताने वाला हूं जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती हैं, जो मतलब मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। उनका किसी वेबसाइट या किसी लिंक से कुछ भी लेना देना नहीं है, जो मुझे अच्छी लगती है। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको बताऊँ और आप भी उनको देखो। अगर देखी हुई है फिल्म्स तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखी तो उनको एक बार ज़रूर देखना। वो फिल्म्स ऐसी हैं कि जिन्हें अगर मतलब आप देख लो तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ समझ सकते हो। तो कुछ फिल्में तो इनमें से ऐसी भी हैं जिनका मैं नाम लेने वाला हूँ, जो शायद बॉक्स ऑफिस पे इतनी फ्लॉप थी कि अपनी जो उनका खुद का प्रोडक्शन बजट था वो भी नहीं निकाल पाए पूरा। और कुछ ऐसी जो प्रोडक्शन बजट से डबल जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था। तो ये टॉप टेन फिल्म कुछ ऐसी हैं जो मैं आपको नाम बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट नंबर पर जो टेंथ नंबर पर मैंने पोजीशन पर रखी है वो फिल्म ये है, 2012 में आई एवेंजर्स, जिसके डायरेक्टर थे जॉस वेडन। एवेंजर्स को तो सभी जानते हैं, वो तो वर्ल्ड वाइड हिट है। तो और मतलब एवेंजर्स तो सबने देखी ही होगी, उसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं। नाइन्थ पोजीशन पर जो मैंने फिल्म रखी है वो है पियानिस्ट। ये फिल्म रोमन पोलंस्की ने डायरेक्ट की थी, 2002 में ये फिल्म आई थी। और मतलब काफ़ी अच्छी फिल्म है, जब आप इसे देखोगे तो आपके फिल्म के साथ एक आपको इमोशनल अटैचमेंट ज़रूर होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार ये पियानिस्ट जो फिल्म है, इसको इस फिल्म के जो एक्टर थे एडन ब्रूडी, उनको एक एकेडमी अवार्ड भी मिला था इस फिल्म के लिए। बेस्ट एक्टर अवार्ड लेकर गए थे वो, ऑस्कर लेकर गए थे। तो काफ़ी अच्छी फिल्म है, मैं चाहता हूँ आप एक बार देखो पियानिस्ट। और एट्थ नंबर पर जो मैंने फिल्म है वो है फाइट क्लब। फाइट क्लब जो है 1999 में आई थी, डेविड फिंचर इसके डायरेक्टर हैं और ब्रैड पिट और एडवर्ड नॉर्टन इसके स्टारकास्ट में लीड में है। ये फिल्म कुछ मतलब जो ट्विस्ट है इसका एंड का वो मैं रिवील नहीं करूँगा, लेकिन आप सब जब देखोगे फाइट क्लब 1999 वाली अपनी बॉलीवुड की मत देख लेना। तो जब भी आप ये फिल्म देखोगे तो मतलब एंड में जो आपको सस्पेंस एक खुलेगा ना, उससे आपको ओ बेट ये हो क्या गया कुछ ऐसी सी आवाज़ निकलेगी, मतलब ये हो क्या गया एकदम से, मतलब दो घंटे बैठ के आपने शांत रहता हूँ मैं। सेवन्थ नंबर पे जो फिल्म है वो भी सब जानते होंगे उस फिल्म के बारे में, वो फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी की एक बहुत ही सुपरहिट फिल्म है फ्यूरियस 7, जिसको डायरेक्ट किया था जेम्स वॉन ने। और ये फिल्म मतलब मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। इस फिल्म के अंदर मुझे हर चीज़ लगती है कि रोमांस है, फाइट है, एक फैमिली के बारे में हमें इस फिल्म के बारे में बताया है। पूरी फिल्म जो है वो, तो अगर फास्ट एंड फ्यूरियस के आप फैन हो तो ऑब्वियसली ये फिल्म जो है वो पूरी फैमिली बेस्ड फिल्म है कि हाँ फैमिली के बारे में मैं क्या बात कर सकता हूँ या फैमिली को से प्रोटेक्ट करने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो फास्ट एंड फ्यूरियस 7 जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो एक बार देख लेना आप भी। सिक्स्थ पोजीशन पर जो मैंने फिल्म रखी है वो है एक एनिमेटेड फिल्म, एक एनिमेटेड लव स्टोरी फिल्म है अप, जिसका नाम है। ये फिल्म मैंने बहुत टाइम पहले देखी थी, लेकिन इस फिल्म को देखते देखते मतलब एंडिंग इसकी ऐसी है कि हाँ आप रोने लग जाओगे, इतनी मतलब अच्छी एंडिंग दिखा रखी है एक एनिमेटेड फिल्म की। मैं चाहता हूँ ये अप फिल्म तो ज़रूर देखना आप अप। और जो फिफ्थ नंबर पर है फिल्म वो आती है हमारे फिल्म वो है द डार्क नाइट। डार्क नाइट फिल्म 2008 में आई थी, क्रिस्टोफर नॉलन इसके डायरेक्टर हैं। जोकर बहुत ही हिट कैरेक्टर है, आप सबको पता ही होगा, तो इस फिल्म के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको ने देखी होगी द डार्क नाइट, तो बैटमैन की फिल्म है। फोर्थ नंबर पर जो आई है वो शायद मतलब मुझे रखनी चाहिए या नहीं, लेकिन मुझे पर्सनली वो बहुत अच्छी लगती है, इटर्नल सनशाइन ऑफ स्पॉटलेस माइंड। ये 2004 में फिल्म आई थी और इसके डायरेक्टर हैं माइकल गोंड्री। ये फिल्म तो कुछ ज़्यादा बड़ी हिट नहीं है, लेकिन इसकी जो मतलब इसको जैसे दिखाया गया है कि हाँ एक मतलब याददाश्त के बारे में है ये, कि अपनी याददाश्त कैसे, मेमोरी को कैसे इरेज करना चाहता है अपनी गर्लफ्रेंड को या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से। तो मतलब एक बार देख लेना ये फिल्म में है। बाय द वे फिल्म में ये जो एक्टर है वो काफ़ी हिट कॉमेडियन एक्टर है, जिम कैरी और केट विंसलेट टाइटैनिक वाली हीरोइन।
एक बार जरूर देख लेना ये फिल्म, इटर्नल सनशाइन ऑफ स्पॉटलेस माइंड। तो थर्ड नंबर पर है फिल्म, वो फिल्म 2010 में आई थी और उसके डायरेक्टर हैं मार्टिन स्कॉर्सेसी। बाय द वे मैंने ये पूरा ना पेज अपनी लिस्ट बना रखी है इसके अंदर, मैं इसमें से देख के बोल रहा हूँ, मैं भूल जाता हूँ। तो द शटर आइलैंड, ये फिल्म लियोनार्डो डिकैप्रियो इसके मेन लीड में है और मार्क रुफेलो सपोर्टिंग में भी हैं। तो मार्टिन स्कॉर्सेसी की फिल्म है, मार्टिन स्कॉर्सेसी को कौन नहीं जानता यार, मतलब वर्ल्ड वाइड हिट डायरेक्टर हैं, ऑस्कर विनर डायरेक्टर हैं। उनकी फिल्म आई थिंक एक बार ये देख लेनी चाहिए, शटर आइलैंड बहुत ही अच्छी फिल्म है। जो इसमें आपको ट्विस्ट देखने को मिलेगा वो अनबिलीवेबल है, मतलब कि आप ऐसे कर दोगे कि हाँ यार नहीं तू सही है, तू ही सही है। और जो सेकंड पोजीशन पर है वो फिल्म, जब मैंने पहली बार देखी थी वो फिल्म तो बारिश हो गई थी बाहर, मैं सच बता रहा हूँ ये आपको, सच्ची मम्मी कसम। ये फिल्म है शोशांक रिडेप्शन। ये एक ऐसी फिल्म है जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी लाइफ के बारे में, बहुत कुछ बताएगी आपको। ये 1994 में आई थी और इसके डायरेक्टर हैं फ्रैंक डोरबोंट, या मुझे प्रोनाउंसिएशन क्या आ नहीं रही है, क्या नाम है एक बार देख लेना आप लोग। तो शोशांक रिडेप्शन जो फिल्म है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्लेम्ड फिल्म है, वो आज भी कई वेबसाइट्स उन्हें वर्ल्ड की टॉप 5 फिल्म्स के अंदर रखते ही रखते हैं। कोई भी आप वेबसाइट चेक कर लोगे तो टॉप 5 फिल्म में आपको ये फिल्म का नाम ज़रूर दिख जाएगा। कोई कोई वेबसाइट तो इसे फर्स्ट नंबर पे भी रखते हैं, फर्स्ट पोजीशन भी इनको मिली हुई है। और ये फिल्म एक जेल की कहानी है, जेल के अंदर के कैदी की कहानी है, या फिर आप कह लो कि वो मतलब इनोसेंट होता है तो वो जेल के अंदर बाय चांस या फिर बाय मिस्टेक, बस मतलब जेल के अंदर की कहानी है और जेल के बाहर कैसा लगता है। इसमें एक ब्रूक्स नाम का कैरेक्टर है, बहुत ही बूढ़ा कैरेक्टर है, जब वो जेल के बाहर जाता है अपनी ज़िंदगी जेल के अंदर स्पेंड करने के बाद, वो बाहर जाके उसे दिल उसका मतलब दिल नहीं लगता जेल, मतलब एक बार देख लेना यार आप, तभी आपको पता चलेगा ये फिल्म की इम्पोर्टेंस क्या है। शॉशैंक रिडेम्पशन एक बार ज़रूर देख लेना। और जो फर्स्ट पोजीशन पर मेरे अकॉर्डिंग मेरी लाइफ में जो फिल्म है, उसका नाम भी लाइफ से ही स्टार्ट होता है और वो एक इटालियन फिल्म है, वो है लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, सच में यार लाइफ इज़ ब्यूटीफुल फिल्म भी ब्यूटीफुल है। और इस फिल्म को देखने के बाद सच में आपको लगेगा कि हाँ यार लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। ये फिल्म आई थी 1997 में, 1997 की ये फिल्म है और इसके जो डायरेक्टर है रॉबर्ट बेनिग्नी, वही इसके लीड रोल में भी हैं। और ये फिल्म ने बेस्ट एक्टर अवार्ड ऑस्कर तो जीता ही था, साथ में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज की भी ये ऑस्कर विनर फिल्म है। तो इस फिल्म में मतलब एक बाप और एक बेटे की कहानी बताई गई है, वर्ल्ड वॉर टू के टाइम जब हिटलर वगैरह का थोड़ा था। तो मतलब कि रॉबर्ट बेनिग्नी ने जो ये फिल्म जिस हिसाब से बनाई है, एक बाप बेटे के रिश्ते को दिखाया है कि एक बाप अपने बेटे को खुश करने के लिए क्या क्या झूठ बोलता है, और वो झूठ ऐसे नेगेटिव वे में नहीं पॉजिटिव वे में। और पूरी मतलब फिल्म के अंदर बेटे को लगता है कि ये गेम है, पूरी फिल्म एक गेम है। तो मतलब कैसी होगी आप ज़रा इमेजिन कर सकते हैं कि ये फिल्म कैसी होगी। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल मुझे बहुत अच्छी लगती है फिल्म, मतलब इसको मैंने फर्स्ट पोजीशन पे इसीलिए रखा है क्योंकि इसके अंदर एक जो केमिस्ट्री है बाप बेटे के बारे में, रिश्ते में जो बताया गया वो अल्टीमेट है। एक बार मैं चाहूँगा कि आप लोग देखें इस फिल्म को, और अगर किसी को लगा कि हाँ मैंने ये फिल्म इस पोजीशन पे क्यों रखी या फिर इस पोजीशन पे क्यों नहीं रखी, ये फिल्म मैंने टॉप लिस्ट में अपनी रखी क्यों नहीं, तो इनका इन सब बातों से लेना देना कुछ नहीं है। जस्ट मेरे लिए है कि हाँ मुझे कौन सी फिल्म अच्छी लगती है, तो उनकी बस एक लिस्ट बना दी है मैंने, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और अगली बार जो होगा वो मैं आपको और भी कुछ फिल्मों के बारे में बताऊंगा। तो तब तक के लिए देखते रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहें,
और देखते रहें बॉब मार्ले देखते रहिए आर्ट ऑफ स्पीड हो। बाय बाय, थैंक यू।